आपको बता दें कि एक परिवार ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना इलाके के गांव लीलोटी एक परिवार ने उस पर हुए हमले के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होने को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लीलोटी निवासी मोहन सिंह ने बताया कि उसके छोटे भाई बंटू पर कुछ लोगों ने 14-15 जून की मध्य रात को हमला किया था, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित ने 16 तारीख को नादनपुर पुलिस को दी गयी, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी, बल्कि 16 की रात को आरोपियों ने उसके ऊपर कट्टे से फायर कर दिया जिससे पैर में गोली लग गई। वहीं आरोपियों द्वारा उसे पीट कर उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। 27 तारीख को जिला चिकित्सालय से छुट्टी मिलने के बाद भी अभी तक पीड़ित की चलने फिरने की स्थिति नहीं है। पीड़ित ने बताया कि 27 की मध्य रात को करीबन 11 बजे कुछ लोग घर आए जिसके मुंह पर डांटे बंधे हुए थे। पीड़ित परिवार ने उनके घर पर कट्टे से फायर करने का आरोप लगाया और बताया कि आरोपियों ने उन्हें धमकी दी है कि अगर पुलिस कार्रवाई की तो पीड़ित और उसके परिवार को जान से मार देंगे। साथ ही आरोपियों ने परिवार को धमकी दी है कि वो उन्हें गांव में नहीं रहने देंगे। पीड़ित द्वारा थाने पर तहरीर देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ बोलो। 14-15 तारीख की घटना है और मतलब मेरे साथ खेत में मारपीट हुई है और मेरे को मार कर पटक गए। घर वालों को जा करके उसने घर पे 5 फायरिंग करें कि जाओ उसकी लाश को उठा लाओ, और हमने तहरील थाने पे दी, थानेदार ने कोई सुनवाई ना करी। फिर हम 16 तारीख को हमने मतलब ज्ञापन एसपी साहब को दिया 2 बार, फिर एसपी साहब ने कोई सुनवाई नहीं करी। फिर 3 बार हमने धौलपुर आ करके ज्ञापन दिया और धमकी देते हैं, हम गरीब आदमी हैं और मतलब कोई मतलब सुनवाई नहीं रही है। जल्दी से जल्दी और वीरेंद्र सिंह शेरू और निहाल सिंह अजय और मन्नू सनब बाबू और रवि और मतलब के रतन सिंह मन्नू रतन सिंह वो मन्नू वो रतन सिंह मन्नू सिंह रतन सिंह ये 4 6 व्यक्ति थे। 4 की मैंने पहचान कर ली, दोनों की कोई डांटे मार गए, दोनों की कोई पहचान नहीं है। उनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, परवानी पुलिस ने पैसा काट लिया।